सीरियल गुम है किसी के प्यार में, यहाँ देवयानी ताई ने जोरदार तमाचा जड़ दिया सई के मुंह पर। वो इसलिए क्योंकि सई जो है नॉनस्टॉप आंसू बहा रही थी। ऑब्वियसली विराट अपनी जिंदगी के लिए लड़ रहा है, लेकिन उनका कहना ये है कि भैया जब वो तुम्हें समझा रहा था कि फालतू में बवाल मत करो, तब तो तुम्हें समझ आया नहीं, अब ये आंसू बहा के क्या करोगी? इस सई को आज देवयानी ताई ने देखिए कैसे जोर से थप्पड़ जड़ दिया। अब देवयानी ने ये थप्पड़ गुस्से से मारा है सई को। अब विराट को लेकर देवयानी कितनी परेशान है, क्योंकि घर वालों को पता चल गया है कि विराट की जान खतरे में है। वो अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहा है। तो भाई, अपने भाई के बारे में जब ऐसी खबर सुनी बहन ने, तो उसे गुस्सा तो आएगा, और उस पर देवयानी भी तो सई से कह रही थी कि मेरे भाई पर विश्वास करो, लेकिन सई कहां किसी की बात सुन रही थी। उसे तो जो दिख रहा था उसे ही वो सही मान रही थी। घर पर महाशिवरात्रि की पूजा की तैयारियां चल रही थी, उतने में सई पहुंची और सई ने बताया कि विराट अस्पताल में भर्ती है और उसकी जान बचने के बहुत ही कम चांसेस हैं। लेकिन सई को विश्वास है जिस मंगल सूत्र को उसने उतार फेंका था, आज देखिए उसी मंगल सूत्र के लिए वो बावली हो गई है। जी हाँ, जरा देखिए, कभी कमरे में तो कभी बाहर तो कभी पेड़ के ऊपर चढ़कर वो अपना मंगल सूत्र ढूंढ रही है, क्योंकि वो समझ गई है कि मंगल सूत्र को उतारकर उसने अपने सुहाग का अपमान किया है, जिसकी वजह से आज विराट की ऐसी हालत है। मंगल सूत्र मिला, उसने अपनी सासू माँ से गुजारिश की कि बप्पा के चरणों में इस मंगल सूत्र को रखो और उनसे आशीर्वाद लो। हमेशा देवी ताई कहती है कि तुम दोनों अलग होती हो तो किसी न किसी को कुछ हो जाता है, तो वो चीज़, देन इसने मंगल सूत्र निकाल दिया, वो चीज़, तो शी वॉन्ट्स इट बैक बिकॉज उसको लगता है कि ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है एंड ये विराट सर को बचा सकती है। विराट सर, आई वॉन्ट दिस एंड इट्स, यू नो, इट्स सिम्बॉलिक टू विराट ओनली, तो विराट सर ही है ना वो, तो उन्हीं का दिया हुआ है, सो यू नो इट्स दैट। So she wants it back because वो विराट सर ठीक हो जाएंगे, उसको ऐसा लगता है। अब बप्पा का आशीर्वाद है तो भाई विराट को कुछ नहीं होगा, लेकिन सही आपका क्या, क्योंकि अब घर वाले तो आपको ही कोसेंगे ना, क्योंकि जो हुआ वो आपकी वजह से हुआ। मुंबई से सुरभि रणसिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ABP News, आपको रखे आगे।